मॉर्निंग स्टूडेंट बी एड सेकेंड ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं इसमें आपको रिवीजन करा ली थी टेक्स्ट बुक्स का, और मैंने आपको पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं बताई थी कि बेसिकली एक अच्छी टेक्स्ट बुक्स के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी जरूरी है। उसका पेज बहुत अच्छा होना चाहिए, मार्जिन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, स्तर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मूल्य नॉर्मल होना चाहिए। अब वही चीज इसके अंदर है, वो तो था कि क्या क्या एक तरह से विशेषताएं होनी चाहिए। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि इसके अंदर ये विशेषताएं है। वो पर्टिकुलर एक अट्रैक्शन के लिए था सारा का सारा पावर। लेकिन अब बात आ रही है आपकी कि अर्थशास्त्री पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत। हम पाठ्य पुस्तक जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली सिद्धांत मीन्स होता है फैक्ट्स, कि ये चीज होनी कंपलसरी होती है। अब आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपको ये टेक्स्ट बुक को मतलब एक तरह से उसका निर्माण कर रहे हो, चयन कर रहे हो, उसको चूज करना है, तो आप क्या देखते हो? हम देखते हैं कि जो मूल्य है वो नॉर्मल है या नहीं है, सारे कंटेंट उसके अंदर शामिल है या नहीं है, राइटर कौन सा है, राइटर अच्छा है या नहीं है, मतलब किसके द्वारा पब्लिश की गई है। हम देखते हैं कि उसका जो अंदर जो है लैंग्वेज ईजी है, क्योंकि टफ लैंग्वेज होगी तो हम उसे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जो मैंने आपको विशेषताएं में कराया था कुछ पॉइंट्स उसी में से इसी के बनते हैं, लेकिन बात अलग अलग है। वो एक विशेषता है और ये एक चयन के सिद्धांत है। तो मैं आपको बताती हूँ, पहला जो आता है वो ये आता है पाठ्य पुस्तक का चयन एवं व्यवस्था। पाठ्य पुस्तक का चयन एवं व्यवस्था, इसके अंदर कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती है? नंबर वन, पाठ्य पुस्तक छात्रों की दृष्टि से उनकी रुचि अवस्था योग्यता मानसिक स्तर प्रवृत्तियों प्रवृत्तियों अभिरुचियों के अनुकूल हो। पहला नंबर है, जब हम पाठ्य पुस्तक का चयन कर रहे हैं या उसकी व्यवस्था कर रहे हैं तो वो छात्रों की योग्यता के, रुचि के, अवस्था के, मानसिक स्तर के और विभिन्न प्रकार के उसके प्रवृत्तियों के अनुकूल ही होनी आवश्यक होती है। फिर दूसरा नंबर आता है, इसका चयन समाज की दृष्टि से होना चाहिए। इसका चयन समाज की दृष्टि से होना चाहिए क्योंकि समाज की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ये व्यापारी उत्पादक करता है, और पुस्तकों का जो मार्केट के अंदर वैल्यूएबल है, जो नीडेड बुक्स है, उसी को क्या करेगा, जो राइटर होगा वो पब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो ये माना जाता है कि इसका चयन, हम बुक का चयन समाज की दृष्टि को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, जिससे पाठ्य पुस्तक क्या हो, समान आर्थिक दृष्टि से हो। मतलब दो बातें आ रही है कि समाज के अंदर कौन सी आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, वर्तमान में कौन सी रुचि फैशन, या फिर रुचि फैशन के अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, मुद्रा,
मूल्य वैल्यू क्या है ये सब अपन देख सकते हैं कि मनी स्टेटमेंट देख सकते हैं या जो भी होता है बैंकिंग सेक्टर में, मतलब व्यापारी में, बिजनेस में, तो सारी चीजें तो समाज के स्तर के अकॉर्डिंग ही होनी, समाज की दृष्टि को ध्यान में रखकर ही अर्थशास्त्र की पुस्तक का निर्माण होना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है इसमें मानसिक स्तर के अनुकूल, बच्चों का स्ट्रेंथ देखकर, बच्चों के मानसिक स्तर को देखकर ही पाठ्य पुस्तक का चयन किया जाना चाहिए। फिर इसके अंदर आता है फोर्थ, समस्या एवं शिक्षण विधियों के समस्या और शिक्षण विधियों के अनुकूल ही पाठ्य पुस्तक की क्या करना चाहिए, व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब हमारी जो समस्या, जैसे हमारी समस्या है मुद्रास्फीति, ठीक है, कैसे होती है, क्यों हो रही है, वर्तमान में क्या स्ट्रक्चर है, उसको ज्ञात करने के लिए अब और उसमें कौन से विधियों के अनुकूल होनी चाहिए, मतलब जिस तरह विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है उसी प्रकार विभिन्न विधियों, विधियों मीन्स होता है उसमें उदाहरण प्रविधि वगैरह भी आ सकता है, प्रश्न कौशल आ सकता है, तो इनके अंदर इस बुक्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए सम, तो जो बुक्स का जब चयन किया जाता है तो समस्या शिक्षण विधियों के अनुकूल इसको निश्चित किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है पाठ्य वस्तु में मनोवैज्ञानिक क्रम स्थापित किया जाए, मनोवैज्ञानिक आत्मा का ज्ञान, मतलब इसके अंदर एक तरह से बच्चों के इच्छाएं, रुचि, अभिरुचि, ठीक है ना, सुख दुख सभी प्रकार के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, बुक्स का निर्माण होना चाहिए। तो उसके साथ साथ हम जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं वो बच्चों के मनोवैज्ञानिक क्रम स्थापित, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या होने से सुनिश्चित होने चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक के चयन में हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर सेकेंड नंबर आता है इसके सिद्धांत में पाठ्य पुस्तक की भारी आकृति, मतलब जिसका कवर पेज होता है, कवर पेज कितना अट्रैक्टिव है, अंदर जो शब्द लिखे होते हैं, जो वाक्य लिखे हुए होते हैं उसमें कौन सी दूरी, कितना डिस्टेंस है, उसके साथ साथ कौन सा, मतलब उसके अंदर किस वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा वर्ड यूज में लिया गया है, इसी के साथ साथ इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ अट्रैक्टिव है, अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से समझाया गया नहीं आएगा, मतलब एक तरह से उसकी पूरी की पूरी भारी आकृति में टाइप आ जाता है, हमने किस तरह टाइप किया, फॉन्ट साइज आ जाते हैं, जिल्द आ जाती है, मतलब एक कवर पेज जो आता है वो आता है, आकार आ जाता है, ये सभी बातें इसके अंदर आती है। इसको ध्यान में रखकर ही पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए, मतलब इसको ध्यान में रखकर एक तरह से हमें पुस्तकों की व्यवस्था करनी चाहिए। विषय सूची, विषय सूची होनी अनिवार्य है, और विषय सूची का महत्व क्षेत्र, हम जो विषय सूची ले रहे हैं ऐसे नहीं कुछ भी हम उठा के लिख दे, वो होनी चाहिए कि जब हम इस तरह लेते हैं कि हमारा सारा का सारा कंटेंट उसमें है या नहीं है, उसके महत्व और क्षेत्र को निश्चित किया हुआ होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण, सॉरी, फिर आता है शैक्षिक साधन, शैक्षिक साधन में आता है प्रश्न, निर्देश,
सहायक पुस्तकों की सूची सहायक पुस्तकों की सूची अनुक्रमणिका अनुक्रमणिका प्रस्तावना ये सब चीजें इसके अंदर शामिल होती है। फिफ्थ आता है उदाहरण। उदाहरण कैसे होनी चाहिए? अब बात आती है, रुको, हम अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी उदाहरण होते हैं वो ये होना चाहिए, जैसे रेखा चित्र का निर्माण होना चाहिए, तालिका होनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि हम कोई भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी या किसी का नियम, जैसे ग्रैशम का नियम पढ़ रहे हैं, तो ग्रैशम के नियम के लिए उससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार के उदाहरण इसके अंदर होने, मुद्रा स्फीति पढ़ रहे हैं तो मुद्रा स्फीति का एक एग्जाम्पल इसके अंदर होना चाहिए। अब एग्जाम्पल की अगर बात आती है तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या एग्जाम्पल्स होना चाहिए, तो इसके अंदर दो प्रकार के उदाहरण होने चाहिए, शाब्दिक और प्रदर्शनात्मक। ठीक है, शाब्दिक और प्रदर्शनात्मक मतलब इसके अंदर क्या क्या होने चाहिए, सूची पत्र, तालिकाएं, ग्राफ, रेखा चित्र, मानचित्र, आंकड़े, उपयुक्तता। इन सभी उदाहरणों की उपयुक्तता होनी चाहिए और संख्याएं भी क्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से ज्यादा ज्यादा समझ में आता है। फिर आता है नेक्स्ट लेखक। लेखक तो लेखक मतलब होता है इसके अंदर कि लेखक के विचारों की मौलिकता होनी चाहिए, सत्य स्थापित होना चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए, महत्वता होनी चाहिए। इस लेखक इस प्रकार से उस चीज को क्रिएट करे कि उसका जो प्रकाशन है वो मनोवैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। तो ये सारी की सारी क्या थी आपके एक तरह से अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक चयन के सिद्धांत। ये जनरली बात है, बस एक बेसिक आपको याद रखना था, मैं एज अ रिविजन ही आपको करवा रही थी आज, ठीक है, आपका होमवर्क यही है, अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांतों को समझाइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।